Hey guys, welcome back to Nafis Life. आज मैं आया हूँ Kharghar. Actually मेरा यहाँ friend रहता है. He was like, let's just catch up, dude. So I'm here. Mostly we used to meet midway. This is my first time I'm over here. He was like, यहाँ पर भी है ना बहुत amazing type के ना food dishes, different sorts of street food items यहाँ मिलते हैं. तो I'm here. So let's see this place surprises me, and I will show you all my experience. So stay tuned. ओके सो मेरा फ्रेंड जो है मेरा वेट कर रहा है हीरा नंदानी पे. तो नाउ आई एम इन द रिक्शा. तो लेट्स सी आई गेस वहीं पे वो जगह है. सो आई विल शो यू माय एक्सपीरियंस देयर. सो गाइस माय फ्रेंड वाज इन किडिंग व्हेन ही सेड यहाँ पे बहुत सारी से खाने पीने की जगह है. सो आई विल जस्ट शो यू फ्यू. तो यहाँ हीरा नंदानी पे पूरी लेन है जहाँ पे यू विल गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फूड स्टफ. ना फ्रेंड सैंडी, हाँ, जो हमें कभी से घुमा रहा है यहाँ आ जाओ वहाँ. एक्चुअली मुझे ही लेट हो गया यार, इसकी गलती कुछ भी नहीं है. तो भाई क्या कहाँ से चालू करेंगे अपने, बता जहाँ से तू बता यार, इट्स योर एरिया. वही मैं दिखा रहा था यार, मस्त है सब, इतनी सारी जगह है, मतलब ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. इन नवी मुंबई सिडकों ने सब बंद कर दिया है, स्ट्रीट फूड एंड ऑल कुछ अलाउड नहीं है. सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू कीप ऑल द शॉप्स विद इन सम रूम और लाइक अंडर प्रॉपर एक शॉप में. वो लोग रास्ते पे कुछ भी खड़ा करने देते नहीं है. तो यही से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी आगे अपने को क्या क्या मिलता है. हम लोग शुरुआत करेंगे मोमोज से. मेरा फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे जो है ना मोमोज बहुत फेमस है. अच्छा पीछे है क्या, तो यहाँ का क्या रूट, यहाँ का क्या, ये मॉडर्न स्वीट्स. यहाँ पर है वो जगह, तो यहाँ आप आराम से आके बाहर बैठ सकते हो. बट एक चीज मत भूलना, पहले आपको वहाँ कूपन लेना पड़ेगा. तो चलिए वहाँ चलते हैं, कूपन लेते हैं और पूछते हैं अंकल को कौन सा बेस्ट है. भाई हमारा दो मोमोज आ गए हैं. यह है चिकन मोमोज, जो नॉर्मल चिकन मोमोज हैं, विच इज़ फॉर लाइक 60 रुपीज़ फुल, और ये है हाफ 35 रुपीज़ का. यह है चिकन चीज़ तंदूरी मोमोज, ये कुछ अराउंड है 130 के. बट अंकल ने हमको स्पेशली ना हाफ दिया है. सो बेसिकली चिकन चीज़ मोमोज भी आ गया. ऐसे देखोगे तो ये चिकन मोमोज है और ये चिकन चीज़ मोमोज है. दिखने में तो इतना फ़र्क नहीं है, बट डेफिनेटली टेस्ट में तो फ़र्क होगा ही. चालू करते रूट, चल हाँ नॉर्मल खाते चलो पहले. हाँ 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 बात तेरी सही है. अंदर चिकन और थोड़े अनियन का थोड़ा मिक्सचर है, तो डिफरेंट फ्लेवर है सर. नॉर्मल मोमोज का नहीं है, नॉर्मल मोमोज खाली मिंस्ड चिकन होता है, वैसा नहीं है. थोड़ा गार्लिक की थोड़ा अनियन टाइप का फ्लेवर है, और दो टाइप के सॉस भी दिए, एक शेजवान सॉस है और एक थोड़ा क्रीमी सॉस है. अब मैं चालू करता हूँ, इससे काफ़ी देखने में स्पाइसी लग रहा है, एंड आई एम प्रिटी श्योर स्पाइसी होगा अभी, एंड आई होप कि हो. तो चिकन चीज़ तंदूरी मोमोज डूड, ये बहुत धमाल है, ये है चीज़. जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अच्छा तो है ही, पर काफ़ी स्पाइसी है और चीज़ी है, और चिकन इज़ वेरी टेंडर. अब मस्ट ट्राई सीरियसली इफ यू कम ओवर हियर. ये वाला तो स्पेशली अंकल ने बोला कि आप ट्राई करना, चिकन चीज़ तंदूरी मोमोज, यू लव इट, यू विल फॉल इन लव विद इट. मैं तो एक चीज़ बताना भूल गया आपको, कि ये नॉर्मल चिकन मोमोज और चीज़ चिकन मोमोज में क्या फ़र्क है. अब मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही सजेस्ट करता है कि वो चीज़ी है चीज़ी नहीं है. बट टू बी रियली ट्रू टू यू, मेरे को काफ़ी हद तक फ़र्क लगा. चीज़ हैज़ एनहेंस्ड इट्स फ्लेवर, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक थोड़ा कुछ तो फ़र्क है. अब वो मुझे बताने तो नहीं वाले ये जिनका सीक्रेट है, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर चिकन चीज़ मोमोज एंड तंदूरी मोमोज. हो
चलो अभी नेक्स्ट जगह पे जाते हैं। तो वहीं से हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर है ग्रैंड उत्सव फूड कोर्ट। यार मेरा फेवरेट कोबे भी है, वाह। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग तो लगा वो इटालियन वाला कॉर्नर, हाँ इटालियन फूड फैक्ट्री मस्त लग रहा है। चलो वहीं चलते, तो भाई इटालियन फूड से चालू करते अपने। भाई इटालियन में भी आलू टिक्की आता, देख तो इटालियन में आलू टिक्की देखा, मतलब देसी इटालियन है। इटालियन जो था वो पहले का स्टॉल था। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा स्टॉल है, बस नाम चेंज किया। ओके ओके, मैं आपको बनाते हुए देखा तो मैं काफ़ी है ना उससे मेरे को थोड़ा क्यूरियस हो गया कि आप क्या बना रहे हैं। बताएंगे कौन सी, ये कौन सा सैंडविच है? रेड हॉट चिकन सैंडविच। एंड व्हाट वुड यू रेकमेंड मी? नॉन वेज। This is red hot, right? It's sorted in tandoori spice. Okay, so I would like to go for this because this is what tempted me in the first place. So please, I would like one. So मुझे कहीं से लेना है voucher? ठीक है, you have to take a coupon from here. So let's see how it tastes. So now he's making the sandwich extra spicy. So don't worry, guys. We are already prepared for it. We have already called for like 2 bottles of water. So आपको भी अगर extra spicy खाना है तो please mention it and he'll make it like that. गया सैंडविच इधर, सो लेट्स गेट ऑन टू इट। बट बिफोर दैट आई जस्ट मेट द ओनर ऑफ दिस प्लेस, लाइक इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, इज अ रियल जेंटलमैन आई मस्ट से। सो ही वॉज लाइक आस्किंग मी कि और क्या क्या हो सकता है, आप बताइए क्या मतलब, हाउ डिड यू लाइक द प्लेस, डिड यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेस। तो टू बी रियली ऑनेस्ट टू यू, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेस। मतलब एक जगह पर अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें खानी है, चिल करना है अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, तो आई थिंक वैन यू कम हेयर यू डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स नाउ कि चल ये हो गया कहीं और चलते हैं। सो लाइक यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स ओवर हियर। आई रियली लाइक दिस प्लेस, लाइक इफ यू गाइज कम हियर डेफिनेटली ट्राई दिस ग्रैंड उत्सव फूड कोर्ट। तो चलो भाई अभी खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये। या लाइक रियली टेस्टी, लाइक इसके अंदर लाइक जो स्पेशली चिकन डाला गया है इज ऑलरेडी वेरी स्पाइसी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द सॉसेस मेयोनीज एंड अनियन एंड कैप्सिकम, लाइक दिस रियली इज सम डिफरेंट सैंडविच। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल सैंडविच विच यू कैन जस्ट यू नो कॉल फॉर एट एनी प्लेस, इट इज डिफरेंट, इट्स प्रिटी गुड, आई थिंक यू विल लाइक इट। और काफ़ी दूसरी भी चीज़ें थी जैसे नूडल्स थे। Here's the owner who I was talking to you about. Like, thanks. Really, thank you very much. He just gave us a complimentary. So, like, can you please tell us something about it? Because he's like, yahan ki speciality hai. So, please tell me something about it. Yeah, it's actually from Mahabaleshwari. Then, all the strawberries and all, it's came from the farm, and this is a special thing. So, basically, apne jo to jo strawberry cream jo khate na Mahabaleshwar mein. So it's pretty much that, but Mahabaleshwar तक जाने की ज़रूरत नहीं अभी, you can directly come to my friend's place. Like seriously, thank you very much यार, seriously. So now let me try this. This looks really tempting यार.
Alright guys, तो फिर मैं ये try करता हूँ जो मेरा favorite है like मैं कभी महाबलेश्वर जाता हूँ ना तो I never miss out on this. Like this is actually my favorite thing over there. Like specially this strawberry का season है ना like really fresh and really good यार like amazing. Actually वहाँ जैसा है. You don't have to go there now. You get ready. यहाँ पर लाइक देयर इज अ डिफरेंट स्टॉल ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड कियास फूड कार्निवल वेयर दे सर्व यस बॉटल सोडास. सो लाइक इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है. इट्स नॉट द सेम थिंग. दे हैव दीज DIY बॉटल्स. सो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दीज थिंग्स व्हिच यू आर एक्सप्लेनिंग मी इन मोर डिटेल प्लीज. हाय दिस इज वैभव फ्रॉम कियास फूड कार्निवल. दिस इज अ लाइव गोटी सोडा. And whatever the goti soda you must have had earlier, it was in the glass bottle. But here what we have is in the plastic bottle. The soda's punch is much higher and the soda is much more stronger. And what we do over here is we offer the range of flavors. So what we have done is we have given a choice in the hands of customer, that the customer can come and they can choose the flavor which they want. And we will make the live goti soda in front of them of their own flavors. So that's what Kia's Food Carnival presenting you the live goti soda at Grand Utsav Food Court. Thank you. So please, आपको मैं suggest करूँगा कौन सा which one should I have? Options are presented. आप क्या डाल रहे हो इसके अंदर? जलजीरा मसाला. ओके ओके. ओह मैन लुक्स वेरी टेम्प्टिंग यार. थैंक यू वेरी मच. सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट नाउ. आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गुआवा. रेड गुआवा. रेड गुआवा. सो लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट. I was pretty much like I was promised by sir that this will be like very fizzy and it definitely is. Like normally जो बाकी सब drinks होती है ना बाकी सब bottle sodas भी होते हैं it's not as fizzy as this. It's pretty fizzy and like to be true to you काफ़ी tasty भी है. Like you know flavors आपके like as if you are having real guava juice rather than soda. So you definitely should try this, you know. From Hiranandani we walked towards this place called Shilp Chowk. So like on the way you must have seen all these restaurants and all these supermarkets. So like seriously it's like mujhe to bahut maza aaya yahan pe yaar. Matlab chalte phirte ghoomne phirne aur mujhe lagta hai ki this is a very ideal place to live. So because over here as well kaafi ronak hai aur lots of restaurants, McDonald's, lots of food chains and salons. Okay guys, thank you very much. I hope aapko ye video mein maza aaya hoga. Please don't forget to like, subscribe and share all my videos and don't forget to hit that bell icon and I'll definitely get back to you with more videos. Till then